आज का ये वीडियो खंड शिक्षा अधिकारी के लिए उत्तर प्रदेश मिट्टी कृषि पशुपालन का मास्टर वीडियो है। इसमें काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया गया है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें बिना स्किप किए हुए। करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, यूपी स्पेशल मेंस 2004 का क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के किस हिस्से में कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश। दूसरा क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में ऊसर मृदा का विस्तार कितने मिलियन हेक्टेयर में है? 0.4। अगला क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। उत्तर प्रदेश में उगाई जाने वाली निम्नलिखित फसलों में किसकी अवधि न्यूनतम है? मूंग की। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है वह है? खाद्यान्न। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? सर्वाधिक मात्रा में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। उत्तर प्रदेश के किस भाग में मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है? पश्चिमी भाग में। किस मृदा में पोटास एवं चूना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? जलोढ़ मृदा। सामान्य फसलें उगाने के लिए उर्वर भूमि का पीएच मान कितना होना चाहिए? 6 से 7। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र की मृदा गन्ने की कृषि हेतु सर्वाधिक उपयुक्त है? भावर व तराई क्षेत्र। किस मृदा में जल धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है? नवीन जलोढ़ मृदा। उत्तर प्रदेश में किस प्रकार का अपरदन होता है? जलीय अपरदन। किस प्रकार के अपरदन को किसान की मौत कहा जाता है? परत अपरदन। वायु अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र हैं कौन से हैं? पश्चिमी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? देश में पूछ रहा है, आलू का और गन्ने का। चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल है गेहूं। भारत में चावल कृषि क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का स्थान है प्रथम। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नगदी फसल है गन्ना। देश की कुल कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में है? 15%। उत्तर प्रदेश में गेहूं की फसल कब बोई जाती है? अक्टूबर नवंबर। उत्तर प्रदेश में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन जिला है? गोरखपुर। उत्तर प्रदेश में कुल कृषि योग्य भूमि के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर चावल की खेती की जाती है? 18%। उत्तर प्रदेश में चने का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? चने का सर्वाधिक उत्पादन बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है। उत्तर प्रदेश में गेहूं की सर्वाधिक उत्पादकता किस क्षेत्र में है? गंगा, घाघरा, दुआब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? प्रतापगढ़। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली आम की प्रजाति है? दशहरी। 27वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा उत्पादक है? आलू। किसके उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में दूसरा स्थान है?
चावल। उत्तर प्रदेश को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? 9। कुल बोए गए क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग सिंचाई आच्छादित है? 80%। उत्तर प्रदेश का कौन सा भाग सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है? पश्चिमी भाग। उत्तर प्रदेश में औसत जोत का आकार कितना है? 0.75 हेक्टेयर। उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषकों का प्रतिशत है? 79%। उत्तर प्रदेश में कितने प्रतिशत भाग पर गेहूं की कृषि की जाती है? 24%। संपूर्ण देश का कितना प्रतिशत चावल उत्तर प्रदेश उत्पादित करता है? 13%। उत्तर प्रदेश का चीनी उत्पादन में देश में कौन सा स्थान है? द्वितीय। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश में सिंचाई के मुख्य साधन हैं, उनके महत्व के आधार पर उनका सही अवरोही क्रम है। इस क्वेश्चन का दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश शासन ने एग्रो पार्क स्थापित किए हैं। एग्रो पार्क ये कहाँ पर स्थापित किए हैं? हापुड़, लखनऊ, सहारनपुर, वाराणसी। चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन में बोल रहा है निम्नलिखित को सम्मिलित करते हुए कूट की सहायता से उत्तर दीजिए। आंसर हो जाएगा दूसरा वाला। तो सबसे पहले बात करते हैं नोएडा की। नोएडा का मिलान खाद अनुसंधान एवं विश्लेषण केंद्र, लखनऊ का मिलान खाद पार्क से हो जाएगा, और मेरठ का मिलान सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय से, कानपुर का भारतीय दलहन शोध संस्थान। इस प्रकार से आप सुमेलित कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित को सुमेलित करते हुए कूट की सहायता से उत्तर दीजिए। दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, तुती, मक्का प्रथम स्थान पर, आम और तृतीय स्थान पर, सब्जियां छठवें स्थान पर, फल। इस प्रकार से आप सुमेलित कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में अफीम का सबसे बड़ा वाला जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश में अफीम का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? बाराबंकी। भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? पंतनगर। उत्तर प्रदेश में अवनलिका अपरदन से सबसे अधिक प्रभावित जिला है? इटावा। उत्तर प्रदेश में कपास की बुआई किस माह में की जाती है? जून जुलाई। राज्य में उद्यान एवं प्रसंस्करण विभाग की स्थापना कब की गई? 1974। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला अमरूद के लिए प्रसिद्ध है? इलाहाबाद। उत्तर प्रदेश में कितने फल पट्टी क्षेत्र संचालित हैं? 20। लंगड़ा आम मुख्यतः पैदा होता है, लंगड़ा आम मुख्यतः पैदा होता है वाराणसी में। उत्तर प्रदेश में उत्पादित आम को दूसरे प्रदेशों में किस नाम से प्रचारित किया जाता है? नवाब ब्रांड। उत्तर प्रदेश का पहला राइपनिंग चैम्बर कहाँ लगाया गया? इलाहाबाद। आलू अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई? गाजियाबाद। अगला क्वेश्चन, आलू को दूसरे प्रदेशों में किस नाम से बेचा जाता है? ताज ब्रांड। हल्दी के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान रखता है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के किस जिले में पुष्प से इत्र बनाया जाता है? कन्नौज। उत्तर प्रदेश में कितने कृषि निर्यात क्षेत्र हैं? 3। उत्तर प्रदेश में आदर्श पुष्प उत्पादन केंद्र कहाँ है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश में कितने हर्बल गार्डन की स्थापना की गई? 13 हर्बल गार्डन की स्थापना की गई। मैथा के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है?
उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन, मैथा ऑयल की शुद्धता की जांच के लिए उत्तर प्रदेश के किस जनपद में फ्रेग्रेंस एंड फ्लावर डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना की गई? कन्नौज। देश का प्रथम बागवानी कॉल सेंटर कहाँ पर है? लखनऊ। चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु परिस्थितियां हैं। ऑप्शन पहला सही जाएगा, 100 सेंटीमीटर से ऊपर वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ताप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य का कौन सा जिला पान उत्पादन के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? महोबा। राज्य में चने का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? चने का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? हमीरपुर। राज्य में सर्वाधिक मक्का उत्पादित करने वाला जिला कौन सा है? बुलंदशहर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की नई कृषि नीति में निर्धारित विकास दर है 5.1%। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश को कितने कृषि पारिस्थितिक क्षेत्रों में बांटा गया है? 20। सरकार द्वारा राज्य में पशुपालन विभाग की स्थापना कब की गई? 1944। देश में पशुधन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? प्रथम। गोकुल पुरस्कार योजना का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन से। पशु जैविक औषधि संस्थान कहाँ पर स्थित है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश में पशु चारा बैंक कहाँ स्थापित किया जा रहा है? झांसी। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति अंडे की वार्षिक उपलब्धता कितनी है? 5। राज्य में ऑपरेशन फ्लड एक कब प्रारंभ हुआ? 1973। वर्तमान में राज्य में कितने राजकीय गोशधन हैं? 8। उत्तर प्रदेश में कितने पशु चिकित्सा पॉली क्लिनिक हैं? 3। राज्य दुग्ध परिषद की स्थापना कब की गई? 1976। कामधेनु व मिनी कामधेनु डेयरी योजनाओं के तहत कितनी गाय भैंसें पाली जाती हैं? 100 एवं 50। उत्तर प्रदेश में मत्स्य विभाग की स्थापना कब हुई? 1966। उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में मधुमक्खी पालन कार्यक्रम चलाया जा रहा है? 15। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश में कितने राजकीय सुअर प्रजनन केंद्र हैं? 8। राज्य पशु प्रजनन नीति के तहत गाय भैंसों के उन्नत प्रजनन को आगामी 25 वर्षों में कितना प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया है? 50%। देश के प्रथम दुग्ध संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? लखनऊ। राज्य कृषि विभाग द्वारा कौन सा मासिक बुलेटिन प्रकाशित किया जाता है? कृषि चिंतन। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब प्रारंभ की गई? 2001। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब किया प्रारंभ की गई? राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब प्रारंभ किया गया? ये प्रारंभ किया गया 2000 ईस्वी में। उत्तर प्रदेश में किसान वृद्धावस्था पेंशन योजना कब आरंभ हुई? 2003। पंडित दीनदयाल पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? मथुरा। उत्तर प्रदेश में किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब से चलाई जा रही है? 2000। महिला डेयरी योजना को कब से लागू किया गया? 1996 से 1997। उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम की स्थापना कब की गई? 2002। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश भूमि विकास एवं जल संसाधन विकास प्रतिक्षण संस्थान कहाँ पर है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम की स्थापना कब की गई? 1978। भूमि सेना योजना को पुनः सक्रिय कब किया गया? 2012।
राष्ट्रीय जलागम विकास कार्यक्रम कितने प्रतिशत से कम सिंचाई क्षमता वाले क्षेत्रों में लागू किया गया है? 30%। आइसोपाम योजना में क्या सम्मिलित नहीं है? आलू। ग्रामीण खाद्य बैंक उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में खोला गया है? 12। अगला क्वेश्चन, ग्रामीण खाद्य बैंक योजना के तहत लाभार्थी कितना अनाज निःशुल्क ले सकता है? 100। नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर चुनिए, कथन ए और कारण आर। आंसर मैं क्लियर कर देता हूं, दूसरा वाला जो ऑप्शन है आपका ये सही रहेगा, कथन ए तथा कारण आर दोनों सही, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना किसकी सहायता से चलाई जा रही है? ये किसकी सहायता से चलाई जा रही है? विश्व बैंक। सहयोगी कृषक योजना को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर राज्य के कितने जिलों में चलाया जा रहा है? 10। किसान सेवा रथ को कब से प्रारंभ किया गया? किसान रथ सेवा को कब से प्रारंभ किया गया? सन 2010-11। उत्तर प्रदेश में कितनी मृदा सर्वेक्षण इकाइयां हैं? 10। सीलघर मृदा परीक्षण संस्थान कहां पर स्थित है? इलाहाबाद। उत्तर प्रदेश में कुल कितने जैव उर्वरक उत्पादक केंद्र हैं? 17। एकीकृत धान विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया है? ये प्रारंभ किया गया 2010-11। उत्तर प्रदेश स्टेट एग्रो इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन लिमिटेड के कितने विक्रय केंद्र हैं? 188। कृषि उत्पादन मंडियों की स्थापना कब की गई? 1964। खलियान अग्नि दुर्घटना सहायता योजना में न्यूनतम कितनी धनराशि की सहायता दी जाती है? 7500। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुष्प नीलामी केंद्र कहाँ बनाया जा रहा है? ये बनाया जा रहा है नोएडा। सरसों का सर्वाधिक उत्पादक जिला कौन सा है? आगरा। गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन वाला जिला कौन सा है? गन्ने का मुजफ्फरनगर। इस क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, कारण ए कारण आर दो दिए गए हैं, तो मैं आंसर क्लियर कर देता हूं, दूसरा वाला ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा, कथन ए तथा कारण आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। राज्य में जनेश्वर मिश्र योजना की कब आरंभ हुई? यह आरंभ हुई 2012। उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम कब पारित किया गया? ये पारित किया गया 1950। उत्तर प्रदेश में सीलिंग कानून कब लाया गया? उत्तर प्रदेश में सीलिंग कानून 1960 में लाया गया। आपदा राहत केंद्र में केंद्र सरकार का योगदान होता है? 75%। आम आदमी बीमा योजना उत्तर प्रदेश में कब लागू हुई? 2008। उत्तर प्रदेश में चकबंदी कार्यक्रम कब प्रारंभ की गई? 1954। कृषक दुर्घटना बीमा योजना कब से चलाई जा रही है? सितंबर 2004। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय भूलेख आधुनिकीकरण कार्य कब आरंभ किया गया? 2008-09। उत्तर प्रदेश में किसान वही योजना कब से लागू की गई? 1992। राज्य में सहकारी कानून कब बनाया गया? 1965। प्रारंभिक कृषि ऋण समितियां कृषक सदस्यों को कितने प्रतिशत ब्याज पर ऋण देती हैं? 3%। निम्नलिखित में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? धान, मक्का, गेहूं। उत्तर प्रदेश में खाद पार्क की स्थापना कहाँ की गई? खाद पार्क की स्थापना नोएडा में की गई। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मूंगफली उत्पादक वाला जिला कौन सा है? झांसी। प्रदेश में सर्वाधिक चावल उत्पादक जिला है? शाहजहांपुर। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जौ उत्पादक वाला जिला कौन सा है?
फिरोजाबाद। इस क्वेश्चन में देखिए क्या बताया जा रहा है, सुमेलित करने के लिए बताया जा रहा है, सूची एक को सूची दो से सुमेलित करते हुए नीचे दिए गए कोड की सहायता से उत्तर दीजिए। तो सूची एक में संस्थान, सूची दो में है स्थल। इस क्वेश्चन का तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, कानपुर नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट, लखनऊ सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट, वाराणसी इंडियन वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, बरेली इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इस प्रकार से आप सुमेलित कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, कृषि कृषि भूमि में किसके पौधे उगाने से भूमि का अपरदन अधिकतम तीव्रता से होता है? सोधन। मृदा अपरदन रोका जा सकता है, मृदा अपरदन रोका जा सकता है वनारोपण द्वारा। मिट्टी में खारापन क्षारीयता की समस्या का समाधान है। खेतों में जिप्सम का प्रयोग, सेंट्रल ग्रासलैंड एवं फोरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? यह स्थित है झांसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? सूरजमुखी। सूर्यमुखी नहीं होगा, आंसर हो जाएगा मटर। भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है? उड़द। उत्तर प्रदेश के कितने प्रतिशत भूभाग पर कृषि की जाती है? 68.8%। मूंगफली के उत्पादन के प्रोत्साहन की योजना कब से प्रारंभ की गई? 2013-14। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संकर मक्का बीजों की प्रोत्साहन योजना कब प्रारंभ की गई? 2013-14। प्रदेश में मृदा के स्वास्थ्य के लिए किस उर्वरक का वितरण किया? जिंक सल्फेट। नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस प्रोग्राम का संचालन कब किया गया? 2014-15। उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम कब लाया गया? 1964। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्तमान प्रदेश में कुल कितने मंडी स्थल हैं? 214। ब्रिटिश शासन में कृषि विभाग की स्थापना कब की गई? 1875। बाराबंकी किस खेती के लिए प्रसिद्ध है? बाराबंकी अफीम के लिए। कृषि विभाग का लक्ष्य कृषि क्षेत्र में कितना प्रतिशत विकास दर बनाए रखना है? 5.1%। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? कानपुर। नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? फैजाबाद। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? मोदीपुरम। मान्यवर श्री काशीराम जी कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? बांदा। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कब की गई? 1989। कृषि विश्वविद्यालय हेतु प्रोजेक्ट को ऑर्डिनेशन यूनिट की स्थापना कब की गई? 1996। यूपी डॉक्स परियोजना किस संस्था द्वारा वित्त पोषित है? विश्व बैंक। अगला क्वेश्चन, UPSRLM का उद्देश्य क्या है? गरीबी हटाना। अगला क्वेश्चन, UPSRLM ने कब तक गरीबों को अत्यंत कम करने का लक्ष्य रखा गया है? 2024-25। 2014-15 में किन परिवारों को इंदिरा आवास योजना उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है? 4.23 लाख। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम कब से प्रारंभ किया गया है? 1974-75। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम का नाम कब बदल दिया गया? 2005-06। उत्तर प्रदेश के कितने विकास खंड गिरते भू जल स्तर की क्रिटिकल अवस्था में हैं? 215। अंबेडकर विशेष रोजगार योजना के तहत SC/ST को अधिकतम कितनी धनराशि का अनुदान दिया गया है? 10,000। उत्तर प्रदेश के किस जनपद को सरयू नहर परियोजना से लाभ नहीं होता? जौनपुर।
बाणसागर नहर परियोजना में कौन कौन से राज्य लाभान्वित होते हैं? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाणसागर पोषक नहर से सिंचाई हेतु पानी किस नाले में डाला जाता है? आद नाला। अब दब्बा बैराज में 12 मीटर चौड़ाई के कितने बेज हैं? 8। कच्छ नौदा बांध परियोजना किस जनपद में है? ललितपुर। गंडक नहर प्रणाली परियोजना कब से प्रारंभ हुई? 1961। शारदा सहायक परियोजना के अंतर्गत गिरजा बैराज का निर्माण किस जनपद में कराया गया? बराइच। चौधरी चरण सिंह जमनिया पंप नहर किस जनपद में है? गाजीपुर। लोअर रोहड़ी बांध किस जनपद में है? ललितपुर। उटारी बांध परियोजना किस जनपद में है? ललितपुर। जमरार बांध परियोजना किस जनपद में है? ललितपुर। क्योलोरी बांध परियोजना किस जनपद में है? महोबा। चौधरी चरण सिंह चरखारी पंप किस जनपद से निकलती है? महोबा। चौधरी चरण सिंह लहचूरा बांध किस जनपद में है? झांसी। चौधरी चरण सिंह टाड़ा पंप नहर किस जनपद में है? अंबेडकर नगर। अगला क्वेश्चन, पहुंच बांध परियोजना किस जनपद में है? झांसी में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, पहाड़ी बांध किस जनपद में है? झांसी। भवानी बांध परियोजना किस जनपद में है? ललितपुर। बढ़ई बांध परियोजना किस जनपद में है? बढ़ई बांध, ललितपुर। चौधरी चरण सिंह सिजार बांध किस जनपद में है? झांसी। चौधरी चरण सिंह लखेरी बांध परियोजना किस जनपद में है? झांसी। एरच बांध किस जनपद में प्रस्तावित है? झांसी। उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना कब से लागू है? 1954। कोठी घाट पंप नहर की निर्माण परियोजना किस जनपद में है? चंदौली। टुडियार पंप नहर की निर्माण परियोजना किस जनपद में है? इलाहाबाद। जोगापुर पंप नहर की निर्माण परियोजना किस जनपद में है? कौशाम्बी। सोगाई पंप नहर की निर्माण परियोजना किस जनपद में है? चंदौली। धन कुवारी पंप नहर की निर्माण परियोजना किस जनपद में है? चंदौली। अगला क्वेश्चन, छतरापुर पंप नहर की निर्माण परियोजना किस जनपद में है? कानपुर। बसुहारी पंप नहर की निर्माण परियोजना किस जनपद में चल रही है? सोनभद्र। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया नवीन राजकीय नलकूप निर्माण परियोजना किस संस्था द्वारा वित्त पोषित है? नाबार्ड के द्वारा। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राजकीय नलकूप आधुनिकरण परियोजना प्रदेश के कितने जनपदों में चलाई जा रही है? 67। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राजकीय नलकूप पुनर्निर्माण परियोजना किस वर्ष पूर्ण होना प्रस्तावित है? 2014-15। शारदा नहर प्रणाली से उत्तर प्रदेश के कितने जनपदों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होती है? 10। रामगंगा नहर प्रणाली से उत्तर प्रदेश के कितने जनपदों में सिंचाई होती है? 10। गंडक नहर प्रणाली का गठन कब किया गया? 1976। पशुपालन विभाग की स्थापना कब की गई? 1944। देश की जीडीपी में पशुपालन का कितना हिस्सा है? 9%। मांस के उत्पादन में कौन सा प्रदेश प्रथम स्थान पर है? उत्तर प्रदेश। दुग्ध विकास विभाग की स्थापना कब की गई? 1976। प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की स्थापना कब की गई? 1962।
ऑपरेशन फ्लड कब से चलाई जा रही है? 1970 से 71। उत्तर प्रदेश में दुग्ध पदार्थों का व्यवसाय किस ट्रेडमार्क के तहत किया जाता है? पराग। किस जनपदों के दुग्ध संघों को ISO 9000 प्रदान किया जा चुका है? दोनों को, मेरठ, नोएडा। चारा विकास योजना हेतु केंद्र सरकार कितने प्रतिशत सहयोग देती है? 75%। उत्तर प्रदेश स्वतंत्र रूप से मत्स्य विभाग की स्थापना कब की गई? 1966 में। किसके बीज से प्राप्त तेल का उपयोग डीजल के विकल्प के रूप में किया जाता है? जटरोफा। मछुआ आवास योजना के तहत प्रति आवास कितने रुपए की सहायता दी जाती है? 75,000। तालाब निर्माण हेतु बैंक कितने रुपए प्रति हेक्टेयर ऋण देता है? 75,000। उत्तर प्रदेश मत्स्य विकास निगम द्वारा कितने बड़े हैचरियों का निर्माण कराया गया है? 9। उत्तर प्रदेश में मछुआ दुर्घटना बीमा योजना कब से क्रियान्वित की जा रही है? 1985 से 86। मोबाइल फिश पालन योजना में उत्तर प्रदेश सरकार कितने प्रतिशत वित्त भार वहन करती है? 100%। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन, नेशनल फिशरमैन वेलफेयर फंड योजना का व्यय केंद्र एवं राज्य सरकार के बीच किस प्रतिशत में वहन किया जाता है? तो दोस्तों, ये था खंड शिक्षा अधिकारी के लिए उत्तर प्रदेश मिट्टी कृषि एवं पशुपालन के टॉप 212 क्वेश्चन का मास्टर वीडियो। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। पास ही में आपके बेल आइकन होगा, उसको भी दबा लें। इससे आने वाली सारी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। इस क्वेश्चन का दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 50%।